नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। सपा नेता तारिक सेठ की फ्लोर मिल की छापेमारी में 12.28 लाख की पेनल्टी। प्रपत्रों की जांच के बाद कंपनी के संचालकों के लिए जाएंगे बयान। 12.28 लाख की पेनल्टी के बाद बयान और अगले हफ्ते सुनवाई। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। बीते दिनों सपा नेता तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद जीएसटी टीम ने 12.28 लाख रुपए की पेनल्टी निकाली है और इसके लिए सपा नेता तारिक सेठ के लिए समन जारी किया गया है। जांच टीम को कई प्रकार की कमियां मिली, जैसे कच्चे माल की अधिक खपत होने के बाद भी सप्लाई कम दिखाई जा रही थी। जीएसटी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिलाल प्रजापति ने यूपी 76 न्यूज को बताया कि टैक्स चोरी मामले में प्रपत्रों की जांच के बाद कंपनी के संचालकों को बयान लिए जाएंगे और इसका फैसला बाद में होगा। दरअसल ईसापुर ग्राम निवासी हाजी तारिक सेठ के कमालगंज स्थित फ्लोर मिल में जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में कन्नौज और फर्रुखाबाद की टीम ने बीते बुधवार को लगभग 10:30 बजे फ्लोर मिल में छापा मारा था। जीएसटी टीम के फ्लोर मिल में 10 घंटे से अधिक तक डेरा डालकर अभिलेखों की जांच पड़ताल की, बल्कि यूं कहें कि पूरी टीम ने बाल की खाल निकाली। स्टॉक के अतिरिक्त खपत और सप्लाई की पूरी जानकारी निकालने के बाद लगभग 50 लाख का माल सीज भी कर दिया। फ्लोर मिल में संचालित स्विस ब्रेंक इंडोग्रिजेस प्राइवेट लिमिटेड में बेकरी से संबंधित उत्पाद तैयार होते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि 18 कर योग्य वस्तु का निर्माण प्रारंभ किया गया और अभी तक 5% कर योग्य वस्तु ही घोषित की गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी के कच्चे माल का अधिक उपयोग पाया गया, जबकि निर्मित माल में कम सप्लाई दिखाई जा रही थी। स्टॉक रजिस्टर में भी कमियां मिली। स्टॉक रजिस्टर 31 दिसंबर का ही अपडेट था, जबकि 5 जनवरी को टीम ने जांच की थी। इसका मूल्यांकन कराया जाएगा। टीम द्वारा 12.88 लाख रुपए की पेनल्टी का समन जारी किया गया है। टैक्स चोरी के मामले में अधिकारी ने बताया कि प्रपत्रों की बारीकी से जांच करने के बाद बयान लिए जाएंगे और इसकी सुनवाई अगले सप्ताह होगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।